ना पीछे रख जाए। जाने दो जाने। वो आजकल हर एक चीज गूगल में है, सभी बनते जा रहे हैं। जहाँ पर गए खुद को भी इंटरनेट का नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आज एक सभी और गीत लिखने के बाद जब उन्होंने जो प्रस्तुति दी है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो इससे पता चलता है कि उनका जीवन कितना प्रेरणादायी था कि लोग अपने शब्दों में पिरो देते हैं, गीतों में पिरो देते हैं, सुर में पिरो देते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से ये चीज़ मतलब आगे आने वाले टाइम में ये प्रेरणादायक है, लोग सीखते ही रहेंगे। सर आज आपने मेधा दिवस के रूप में मनाने के लिए आपने बात कही थी। जी हाँ, क्यों मेधा दिवस के इसलिए बहुत काम किया है आप, बहुत आपको मालूम वो भी है 14 चिल्ड्रंस डे के रूप में हम मनिका सिन्हा सचिव। तो मेधा दिवस इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि इस दिन एक अलग दिन होना चाहिए, क्योंकि उनके जब आप बात करते हैं कि एग्जाम के बारे में बातें करते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में बातें करते हैं, इस दिन मेधा दिवस होना चाहिए और इसे राष्ट्रीय रूप में हम लोग को एक मनाना भी चाहिए, क्योंकि इसे देना चाहिए, इसे नाम देना चाहिए, क्योंकि ताकि बच्चों में कॉम्पिटिशन हो, इसे कॉम्पिटिशन हो, पोएम कॉम्पिटिशन हो, जो बच्चों में अलग से मेधा है उस चीज़ आज के दिन ये उभर करके आए और ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाए जो इस कॉम्पिटिशन को जीतते हैं। डॉक्टर एन प्रसाद की 136वीं जयंती मनाई है, बहुत हर्षोल्लास से और पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने इसको मनाया है। और आज के दिन बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमने बिहार पॉजिटिव में आज डिजिटल लाइब्रेरी, किसी भी प्रेसिडेंट का ये पहला डिजिटल लाइब्रेरी है जो देश के यूथ के लिए समर्पित है। और इस लाइब्रेरी के अंतर्गत डॉक्टर राय प्रेस की पूरी जीवनी एक जगह मिल जाएगी, उनकी जितने फ़ोटोज़ हैं, बुक्स हैं या चिट्ठी है या वो जिनके ऊपर उनके ऊपर किताबें लिखी, सारी चीज़ें यूथ के लिए, ताकि वो यूथ को इंस्पिरेशन मिल सके। बहुत ऐतिहासिक दौर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जैसा स्टैचू है तो उस अनुसार स्टैचू बिहार में भी होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू, एकदम होना चाहिए। और ये हमारी मांग है पिछले 2 सालों से, ये जैसा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है उसी स्तर पे उतना ही भव्य पटना के गंगा के तट पे भी एक स्टैचू ऑफ नॉलेज होना चाहिए जो कि बिहार के यूथ को इंस्पायर कर, एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ इंस्पायर करें, एक इको सिस्टम बने जहाँ की यूथ बैठ कर यहाँ बिहार को बिहार में कैसे डेवलप करें वहाँ पर उसकी चर्चा हो और वहाँ से उनको प्रोत्साहन। अभी की पीढ़ी का इस तरीके से जो कहा जाता है, अभी की पीढ़ी से किस तरह से इंस्पायर हो, इस तरीके से जो पूर्व प्रथम राष्ट्रपति हैं उनके बारे में कुछ इंस्पायर हो। आज की पीढ़ी को सबसे ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं से पढ़ाई करके, बिहार से पढ़ाई करके प्रथम राष्ट्रपति बने, तो बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भरोसा रखें और अपने जो पर्सनैलिटी है उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा हार्डवर्क, मेहनत, ह्यूमिलिटी सब कुछ को सीख कर और बिहार के यूथ उनसे प्रोत्साहित होकर बिहार को आगे बढ़ाने की बात। ठीक है, थैंक यू। और इनकी पूरी टीम ने आगे बढ़कर की कोरोना पॉजिटिव था, लॉकडाउन चल रहा था उस समय, हर कृपया आप डॉक्टर निगम प्रकाश बिनोन चाइल्ड स्पेशलिस्ट वकील फॉर सोशल काउंट, शरद कुमार सिंह जी एमिनेंट एडुकेशन से ये प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट, सर इधर सर सामने सर, डॉक्टर श्रवण सर इधर इधर डॉक्टर श्रवण कुमार डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा एमिनेंट आई स्पेशलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ बिहार पॉजिटिव फॉर लास्ट 10 ईयर्स डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा डॉक्टर साहब इधर देखिए।